और अमेठी में चुनाव से दो दिन पहले एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी से पूछा गया है कि वो 5475 दिन कहां थे। भैया की सियासी नैया को पार लगाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से अमेठी में डेरा डाल चुकी हैं। इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष को कड़ी चुनौती दे रही हैं। अमेठी में मतदान से पहले एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। पांचवें चरण में 6 मई को होने वाले मतदान से पहले अमेठी में लापता सांसद का पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी से पूछा गया है कि वो 5475 दिन कहां थे। चुनाव के दो दिन पहले अमेठी की सड़कों पर राहुल के लापता पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़कों पर लगे इस पोस्टर में लिखा है 15 साल 365 दिन मतलब 5475 दिन कहां थे सांसद जी, पूछ रही अमेठी की जनता। 2014 की तरह इस बार भी गांधी परिवार के गढ़ में घुसकर स्मृति ईरानी हमला बोल रही हैं। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन राहुल के जीत के अंतर को काफी कम कर दिया था। हार के बावजूद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं। स्मृति ईरानी राहुल पर अमेठी की अनदेखी और सिर्फ चुनाव के वक्त ही यहां आने का आरोप भी लगाती रही हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का वायनाड जाना और इस परिस्थिति में जाना कि उसके अपने कार्यकर्ता लिख कर उसे दें कि आप यहाँ से दूसरी सीट ढूंढ लीजिए, शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये उसके स्वयं के लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता कहते हों कि आप दूसरी सीट तलाशिए, ये सीट आपके लिए इतनी सिक्योर नहीं है। और अब तक तो अमेठी की जनता लापता सांसद को झेल रही थी, अब तो इस चुनाव में लापता प्रत्याशी भी है। अमेठी में इस बार मुकाबला कांटे का है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है। 6 मई को अमेठी में वोट डाले जाएंगे। वोट से पहले अमेठी में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अमेठी से राजीव ओझा के साथ दीपिका नेगी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।